नीचे बैठी चुके। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हैं, अभी मैं हूँ अपने मम्मी के रूम पर नीचे और नन्नू इधर खेल रही है पीछे। वाह, अभी हूँ मैं नीचे, नन्नू खेल रही पीछे, एक शायरी बन गई है। और हाय गाइस, उसके पीछे तो धूमल मोटू लाला कहाँ चले, वो कौन सा गाना था? केला खा के गिर पड़े, बचपन में कहावत नहीं थी? तुम सेम वैसे लग रहे भगवान, हद हो गई, हद हो गई, सांस क्यों अंदर कर ली पूरा हर बार। आज है धनतेरस, तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली आज भी है कल भी है, आजकल त्योहार दो दो दिन होने लगे हैं, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ही ऑयली ऑयली से हो रखे थे, क्योंकि मुझे इनको वॉश करना था, तो मैंने नहीं किया क्योंकि आज थर्सडे था। इस वजह से थर्सडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, अब इनको कल करूँगी। तो इस तरीके से आपको लग रहे होंगे थोड़ा सा खराब खराब से हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। उठो पार्टनर, जोश तुमको दिलाना पड़ता है, तुमको खुद जोश में आ जाना चाहिए। उसको क्यों बोल रहे, पहले तुम खुद उठो। वो मेरा भाई है, साला है तुम्हारा, साला साले साल, जो जीजा जी बोलेंगे वो ये करेगा। ये मामा भांजी का प्यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को बता दें, शॉपिंग करने के लिए धनतेरस की। और क्या करेंगे, क्या खरीदना है, वो सारी चीजें वहीं पर जाकर के पता चलेंगी आप लोगों को। अम्बुजी ऊपर जाके कार की चाबी लेके आइए, बस तुम उसको दौड़ाए रहो, खुद तो मोटे हुए जा रहे हो, उसे दुबला कर दोगे दौड़ा दौड़ा के। हे भगवान, क्यों अत्याचार कर रहे हो, अत्याचार क्यों कर रहे हो उस पे? कहां कर रहे अत्याचार, बस सांस ले लो, ले लो, ले लो सांस का लिए। क्या इसमें है? छोले आगे कहते इतना मुश्किल से बेचारे बढ़ा पाया। मैंने कहा खाना खा लो, कह रहे नहीं अभी थोड़ी देर पहले खाया है मैंने, तो मैं नहीं खाऊंगा। हाँ सुते के लिए सीधे, तुम चाबी तो ले जाते क्योंकि बाहर जाना था, इसी वजह से लॉक कर दिया मैंने। मेरी अंकल ने तुम चाबी दे रहे सही, उसका जिम हो रहा है, अंबुज का जिम हो रहा है यहाँ पर आकर के। तो त्योहारों की रौनक कितनी अच्छी लगती है ना, इधर उधर सब चहल पहल रहती है, माहौल में ही बहुत अच्छा सा लगता है। और मम्मी का रूम भी बहुत प्यारा है, मम्मी इनके अपने चैनल पे डाले यार, आप लोग देख लो जाकर के, अगर नहीं देखनी है, सिंगल मॉम लाइफ स्टाइल पे बहुत ही प्यारा सा रूम डेकोरेट हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, इतना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ भगवान जी हैं, बहुत पॉजिटिव एकदम, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है मम्मी के रूम को देख के। अगर आपको देखना है तो सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे जाइए, मम्मी का जो मेकओवर हुआ है दिवाली का वो आप देख सकते हो। और इधर बस इनका यही काम रहता है, डियो डियो डियो। मैं कुछ कह रही थी उस टाइम, मैं भूल और गई यार, एक साल बहुत जल्दी निकल जाता है ना। धनतेरस, पिछली धनतेरस को हमने लिया था 9 लाख हार। मजाक कर रही हूँ, 9 लाख नहीं था बट लाखों का था, बट 9 लाख का भी नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही हो गया। गोल्ड का मैंने नेकलेस परचेज किया था अपने लिए, जो कि मैंने करवा चौथ पे पहना था ना, वो वाला परचेज किया था, वो 4 तोले का हार था, 4 तोले का। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, करते हैं धनतेरस की शॉपिंग। आप लोगों ने क्या क्या धनतेरस पे परचेज किया वो बताना। हायरम मशीन में कपड़े फैलाने थे, मैं भूल ही आई, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, अब लौट के आगे फैलाने पड़ेंगे। आप लोगों ने क्या क्या धनतेरस पे शॉपिंग की मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा, मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे करवा चौथ पे बोला था ना मैंने, तो सब लोगों ने कहा मैंने साड़ी पहनी, मैंने लहंगा पहना, मैंने शादी का लहंगा पहना, आप लोगों ने शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मेरे साथ शेयर करते तो मुझे उतनी ही खुशी होती, बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। जब मतलब इतने सारे संख्या में लोग आपको प्यार करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, जब इतनी विशेस देते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, तो दिल से थैंक यू। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्या हो गया अब बोल के दिखाओ, अब बोलो, मास्क कहाँ रह गए हैं, और मेरे इस कैमरे की बैटरी भी जा रही है, और वो बैटरी कहाँ है? अम्बुज कहेगा मुझे माफ करो। अम्बुज तुम्हारा जिम का खर्चा बचा रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे दीदी जीजा जी हैं तुम्हारे, खर्चा नहीं करने दे रहे हैं। ए यार ये तो गंदा लग रहा है मुझे, वाला गंदा बेटू, ये वाला मास्क टोरीमोन वाला, वो कहाँ गया? कौन सा? एक और लिया तुमने मेरे, यार लिया था, वो कहाँ?
फेसबुक को हम ये डाल देंगे हम यही डालेंगे आग खा के डकर रहे हो बुरी तरह कहते बुरी तरह आंखें कैसे करी देंगे हम ड्राइवर साहब बाहर निकलिए जल्दी फटाफट मुझसे पहले कैसे बैठे मेरी गाड़ी में मुझसे पहले बैठे कैसे गलती कर दी बहुत बड़ी बन रहा है अच्छा अच्छा बन रहा है उससे अंबुज सही बन रहा है दाऊद ना इतना इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही नहीं आ रही है तो चलो अपनी तरफ चलो सही तो आ रहा है सही आ रहा है उतना नहीं आ रहा लेकिन आ रही रोड तो नहीं आएगी कौन सी रोड ये देखो नन्नू की आइसक्रीम आर्टिफिशियल आइसक्रीम सही है ये पार्ट तो है ये ऐसे उड़ के जाती है ना अरे मम्मी आ जाओ खोला नहीं इधर अच्छा आओ इधर आओ 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 वो इधर हो रहा है वो इधर हो गया ठीक है चलो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा हाँ मैं बढ़ा रही हूँ जय बाबा की नन्नू की सुइया बाबू होने लगी ये नन्नू की निन्नू बाबू होने लगी नन्नू को बहुत अच्छा लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट ब्लैंकेट में कोजी कोजी सा उसको बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट शॉर्ट लगता है सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हालत बहुत खराब हो चुकी है 12 बजने को आ रहा है और किचन में है मेरा भाई 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 क्या कर रहा है चाय बना रहा है भाई दीदी की सेवा में लगा हुआ है चाय बनाने को आज मेरा एक्चुअली मन कर गया सोची मैं कभी चाय नहीं पीती बट आज पता नहीं क्यों मन कर गया क्योंकि एक्चुअली शोरूम में इतनी भयानक वाली एसी चल रही थी आप पूछो मत इतना बुरी तरह हम लोग ठंडा गए ना हालत बहुत खराब हो रही है काफी लेट हो गया थोड़ा सा इतनी देर शोरूम में टाइम लग गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी ज्वेलर्स क्या की मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी इतनी फुल पे उन्होंने एसी चला रखी थी कि मेरा सब गला वाला चोक हो गया तो मैंने क्या बोला हाँ तो मेरा मन कर गया चाय पीने का ठंडा आ गई हूँ बहुत तेजी से तो बस यही है बैठी हूँ अभी मैं आ गई शॉपिंग हो गई बढ़िया से धनतेरस हो गई पूजा मैंने सोचा था करूंगी बट टाइम से आ नहीं पाई तो पूजा मॉर्निंग में नहा करके मैं कर दूंगी और फाइनली जो मेरी शॉपिंग है वो हो गई ये देखिए
नन्नू किधर छुप गई, नन्नू इधर छुप गई, किधर छुप गई, ये बात देखो। सो मैंने सो मेरी जो शॉपिंग है वो हो गई, जो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही छोटी सी गोल्ड की शॉपिंग मैंने की है, बट बहुत तमन्ना से की है, मेरे बहुत ज्यादा मन था ये करने का। हालांकि लेने कुछ और गई थी, वो भी लिया है। वो क्या लिया है वो आपको मम्मी के चैनल यानी सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पे पता चलेगा कि वो क्या लिया है मैंने। वो चीज मैंने अपने लिए नहीं ली, मम्मी के लिए परचेज की है। तो वो एक बड़ी चीज ली है और एक ये लिया है मैंने, छोटे से गर्ल की शॉपिंग मैंने की है। तो मेरी तो शॉपिंग हो गई धनतेरस की, बढ़िया से शगुन की जो झाड़ू होती है वो भी ले ली है, सब हो गया है। और आप लोगों ने क्या क्या परचेज किया मुझसे जरूर शेयर करना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज किया है और कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर। अभी मैंने वो भगवान जी के पास रख दी है कि मेरी बैटरी पूरी खत्म हो गई थी, पता है, थोड़ा सा इनके वीडियो से, वीडियो बोल रही हूँ, थोड़ा सा इनके मोबाइल से, थोड़ा सा अंबुज के मोबाइल से, ऐसे मैंने टुकड़ों में व्लॉग बनाया है अपना, थोड़ा सा कैमरे से। कैमरे की बैटरी मैंने चेंज ही नहीं की, वैसी लेगी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो बस यही है। तो पूजा तो अभी नहीं की थी, भगवान जी के पास रख दी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेज किया है, आप लोगों को दिख जाएगा, आप लोग देख लेना। पूजा मैं कल प्रॉपर तरीके से करूंगी। सो यस, अब तक आप लोग देख चुके होंगे कि मैंने क्या परचेज किया। सबसे पहले मैंने माता रानी को पहना दिया है, ये देखिए। सो मैंने ये वाली जो रिंग है वो परचेज की है, चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये मेरी नन्नू ने पहन ली अंगूठी, ये मेरी नन्नू 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 लक्ष्मी मैया ने, लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी मैया ने लक्ष्मी जी को धारण कर लिया, मेरी रियल लक्ष्मी मैया, मेरी छोटी जी प्याली, इतनी नन्नू मेरी चीनी छोना मोना मेरी प्याली प्याली। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बड़ी बहुत है नन्नू है, बड़ी हो जाओगी तब पहनना, ठीक है, तब तक तो और अच्छी अच्छी डिजाइन आ जाएंगी सोना, ये ओल्ड हो जाएगी आपके लिए, कहोगी नहीं मम्मा मैं नहीं पहनूंगी बहुत ओल्ड फैशन है ये बोलोगी, हाँ सोना तब तक ये ओल्ड हो जाएगी, मम्मा तब भी बोलूंगी क्या, तो क्या बोलोगी, कुछ और आंटी बोलने लगोगी मम्मा ही तो बोलोगी, तुम्हें कुछ और बोलने का मन है। और धनतेरस पर कुछ भी खरीद लो, स्टील का, चांदी का और सोने का, तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, शगुन भी हो जाता है। तो मैं आपको पहन करके दिखा रही हूँ। तो ये रही वो रिंग, नेल पेंट इग्नोर करना, बहुत ही गंदा सा हो रखा है। सो फोकस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा फोकस, नन्नो जे फोकस नहीं कर रहा है। तो ये रही वो रिंग, आई होप आप इसके डिजाइन अच्छे से देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारी लगी मुझे। राउंड की रिंग्स पसंद नहीं है जरा भी, मैं आपको बताऊं, बट ये राउंड में ना इसके जो साइड्स हैं, इसके जो साइड बने हुए हैं राउंड में तो है, बट बहुत ही प्यारी सी इसमें डिजाइन बनी हुई है, देखिए जैसे कमल का फूल नहीं होता है, एकदम वैसी ही डिजाइन बनी हुई है, ये देखिए। मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई, दो तीन ज्वेलरी की शॉप पे गई, मतलब अच्छी नहीं लगी, बुरी सी लग रही थी, बट ये मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। इसको इस वाले रिंग में पहनूं, वो रिंग बोल रही हूँ, फिंगर में पहनूं कि इस रिंग को मैं इस वाले फिंगर में पहनूं, आप बताना, मैं उसी फिंगर में पहनूंगी, किस में अच्छी लग रही है आप बताना। सो ये रही मेरी रिंग जो कि मैंने परचेज की, मेरा बहुत मन था बिग रिंग लेने का, बट मेरा स्क्वायर में लेने का मन था, मुझे जैसे बताई चुकी राउंड की नहीं पसंद है, बट स्क्वायर से ज्यादा मुझे ये वाली पसंद आ गई, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ गई, सबको बहुत पसंद आई पहली नजर में। और इसका जो शेप है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है साइड से, और कुछ भी नहीं, सिंपल एकदम प्योर गोल्ड नहीं जो होता है, एकदम दूर से देखने से ही पता चल जाता है। मुझे डिजाइन वाली भी बात थी, किसी में रेड स्टोन था, किसी में ग्रीन स्टोन था, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, मतलब दूर से ना उन रिंग का आर्टिफिशियल लुक आ रहा था, मतलब पैसे मैं गोल्ड के दे रही हूँ और लुक वो आर्टिफिशियल दे रही हूँ, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं दूर से ही देखने में जो चीज गोल्ड की लगे वो अच्छी लगती है देखने में, कि हाँ जो कोई भी देखे तो लगे कि हाँ गोल्ड पहन रखा है, तो वो आर्टिफिशियल लुक दे रही थी, तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। अपनी अपनी पसंद होती है ना यार, किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ, तो मुझे ये प्योर गोल्ड और मुझे बहुत प्यारी लगी, तो इस वजह से मैंने ये ले ली। और मैं बहुत ही तमन्ना से मैंने ये ली है, लास्ट ईयर मैंने अपने लिए
नेकलेस परचेज किया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको भी आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आई रियली होप कि आपको ये रिंग भी पसंद आई होगी मेरी। तो आप बताना कि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? ऐसे यार शगुन का शगुन भी हो जाता है। और एक छोटी सी मतलब इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं, वो भी हो जाती है। गोल्ड का पैसा कभी भी खराब नहीं जाता। और ये ना पीछे से फिक्स हो जाती है, मतलब उस तरीके से दिया हुआ है कि फिंगर के अकॉर्डिंग हम फिक्स कर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल रिंग है तो अपने नाप के अकॉर्डिंग हम फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, टच वुड, जबकि मुझे राउंड रिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मुझे इतनी प्यारी लग रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे से शाइन कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जाती हूँ ऊपर थोड़ी सी चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ चाय पीऊंगी, उसके बाद चली जाऊंगी ऊपर। अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है, मतलब शूट करके एडिट करना है, उसको रेडी करना है। मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, बट क्या करूँ, करना पड़ेगा। बालों वालों की हालत देखिए कितनी खराब हो रखी है, कल वॉश करूंगी अब मैं। और एक और मैंने क्या शॉपिंग की है, क्या परचेज किया है, वो मैंने मम्मी के लिए परचेज किया था। स्पेशली मैं उसी के लिए गई थी, मैं इसके लिए गई भी नहीं थी। मैंने सोचा था एक चम्मच ले आऊंगी और चली आऊंगी, फिर अचानक से पसंद आ गई तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं छोटू सी शॉपिंग। और सबसे पहले हाँ, इसका प्राइस भी पूछोगे वो भी मैं बता दूँ। ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स भरने वाला है मेरा प्राइस से। तो ये 10 ग्राम की है, आप लोग उससे आइडिया लगा लेना गोल्ड का रेट दिल्ली में क्या चल रहा है। चलिए मैं बताई देती हूँ, ये 52K की है, 52,000 समथिंग की है ये कुछ। तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, बार बार कमेंट करते हो ना, किसी को कुछ उस सेम तरीके से बनानी रहती है, कुछ करना रहता है डिज़ाइन दिखा करके। तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दिखा सकते हो और बनवा सकते हो। तो ये 10 ग्राम्स की है, गोल्ड इस वक्त थोड़ा सा महंगा है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग। तो नेकलेस लिया था तो इतना महंगा नहीं था, इस बार थोड़ा सा महंगा चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ, धनतेरस वाले ब्लॉग को। बहुत अच्छे से दिन बीता, एंजॉय किया, काम भी किया बहुत सारा। अभी फिर से मुझे काम करना है, काम करूँगी जा कर के। तो तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरी रिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी क्या हो गया, वो हिल गई होगी। तो जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज ऐसे ऐसे एंड करूं।